हेलो एवरीवन, निफ्टी में 3 दिन का रैली कंटिन्यू होता दिखा और कल के दिन निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास क्लोज हुआ है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास क्लोज हुआ है। और अगर एक इम्पोर्टेंट चीज देखें तो हमने देखा है कि ये 3 दिनों में जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम में ग्रोथ दिखने को मिला है, तो व्हिच इज ए पॉजिटिव साइन दैट मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है। और कल के दिन अगर हम FIs और DIs की डेटा देखें तो FIs और DIs दोनों ने ही कल परचेज किया है करीब करीब 1200 से 1300 करोड़ इंडिविजुअल। अगर वहीं पे हम ग्लोबल क्लोज की तरफ जाएं तो ग्लोबली अमेरिकन मार्केट कल नेगेटिव क्लोज हुए थे, जबकि आज सुबह से उनके फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और क्रूड के प्राइस में काफी गिरावट देखने को मिला है। और आज सुबह से ब्रेंट ऑयल करीब करीब $106 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर हम वार के फ्रंट पे देखें तो कल वार के फ्रंट पे जैसे ही न्यूज आया हमारे मार्केट खत्म होने के बाद कि रशिया इज नॉट हैप्पी विथ द पीस टॉक, देन अमेरिकन मार्केट में बिकवाली देखने को मिली और मार्केट्स वहां पे नेगेटिव क्लोज हुए। और आज सुबह जैसे ही यूक्रेन का फर्दर एक अनाउंसमेंट आया और उन्होंने बोला कि रशियन मिलिट्री फोर्सेस ने अपने कुछ फोर्सेस क्यू से कम कर दिया है, तो उसके बाद फिर अमेरिकन फ्यूचर में पॉजिटिविटी भी देखने को मिली। फर्दर ऑयल का भी कम होना सारे के सारे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एंड इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट हमें फिर से और एक बार 0.80 पैसे का पेट्रोल और डीजल कीमतों में राइज का सामना करना पड़ेगा, विच इज नॉट ए गुड साइन फॉर ऑल द कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स, क्योंकि सबकी कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज गोइंग टू गो अप। आज सुबह से SGX निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग की इंडिकेशन दे रहा है और आज वीकली एक्सपायरी भी है और पूरा फाइनेंशियल ईयर का लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो उससे हमें लगता है कि आज के दिन में मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। बाय द सेकेंड हाफ हो सकता है कि कुछ लोग अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को सेटल करने के लिए कुछ ट्रेड्स ले और कुछ स्क्वायर ऑफ ट्रेड्स हो सकते हैं, कुछ ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड की ट्रेड भी आ सकता है, तो हमें लगता है कि सेकेंड हाफ मार्केट में थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। आज के लिए जो निफ्टी का सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 17,350 के आसपास और हायर साइड में अगर निफ्टी 17,550 के ऊपर कुछ टाइम के लिए सस्टेन करता है देन इट विल ट्राई टू अचीव 17,600 या 17,700 को। वहीं पे बैंक निफ्टी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 36,000 के आसपास और हायर साइड में अगर बैंक निफ्टी 36,500 को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकता है देन इट विल अगेन एम टू अचीव 36,800 एंड देन 37,000। अब चलते हैं आज के स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ। आज के लिए जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है इन स्टॉक्स इन न्यूज वो है एक्सिस बैंक का, जिन्होंने सिटी बैंक का कंज्यूमर बिजनेस को एक्वायर किया है। सिटी ने पहले से अनाउंस कर रखा था कि वो अपने रिटेल बिजनेस इंडिया से बंद करना चाहते हैं, सो इट इज ए वेरी गुड डील फॉर एक्सिस बैंक। ये करीब करीब 12,500 करोड़ का डील है और विद इन ए ईयर्स टाइम ये पूरा का पूरा डील कंप्लीट हो जाएगा, तो ये है बहुत सारे नए क्लाइंट्स देगा एक्सिस बैंक को ऑन द क्रेडिट कार्ड और लोन्स के बिजनेस में। नेक्स्ट जो बिजनेस न्यूज आया है वो आया है HAL की तरफ से। HAL को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 15 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि करीब करीब 3,500 करोड़ का है एंड इट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव न्यूज फॉर HAL। और एक जो न्यूज आया है वो आया है गोदरेज प्रॉपर्टी की तरफ से और गोदरेज प्रॉपर्टी को एक 9 एकड़ का लैंड पार्सल मिला है इन पुणे जो कि वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा, तो इट इज ऑल्सो ए गुड पॉजिटिविटी फॉर गोदरेज प्रॉपर्टी। अगर आज के लिए हम सेक्टोरली देखें तो हमें लगता है कि आज के लिए मार्केट थोड़ा फ्लैटिश ट्रेड कर सकता है, कोई एक सेक्टर चुनके उस पर ट्रेड करना मुश्किल है। शायद FMCG एक सेक्टर है जहां पे के कमजोरी देखने को मिल सकता है आज के लिए और IT और बैंकिंग में खासा नजर रखना चाहिए क्योंकि ये दोनों सेक्टर में ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।